गोरखपुर के विकास के लिए गोरखनाथ सब्जी मंडी व गोरखनाथ मंदिर पीठ की दुकानों पर रविवार को भी बुलडोजर चला, जिसमें लगभग 50 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक सड़क के चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, जिसमें बाजारों के बीच में पड़ने वाले सड़क को 22 मीटर और बाहरी क्षेत्र में पड़ने वाले सड़क को 36 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। पहले से जो रोड थी उसे और चौड़ा कर 4 लेन बनाया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण ये काम बंद था, लेकिन चौथे चरण के लॉकडाउन के बाद ये काम फिर से शुरू हो गया है। गोरखनाथ मंदिर के बगल में ये सड़क महाराजगंज होते हुए नेपाल के पास सोनौली बॉर्डर तक जाएगी। इसके लिए गोरखपुर शहर की कई दुकानों को तोड़ा जा रहा है। इलाके के विकास के लिए गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर की दुकान गिरा कर एक पहल कर दी, जो प्रदेश और देश के लिए नजीर बनेगी। अब उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मंदिर मस्जिदों का मोह नहीं किया जाएगा, सिर्फ विकास की कलम से उत्तर प्रदेश का भाग्य लिखने को तत्पर है। ये दुकानें इसलिए तोड़ी जा रही है ताकि यातायात की कठिनाइयों को कम करने के लिए सड़क को 17 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क में तब्दील किया जा सके। आपको बता दें कि जिन दुकानदारों की दुकान तोड़ी गई है, उनको गोरखपुर सब्जी मंडी में तैयार होने वाली 5 मंजिला भवन में दुकानें दी जाएंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यदायी संस्था के अभिषेक शाही ने बताया। अभिषेक शाही, 12 मीटर ले रहे हैं और 1 मीटर हम अपने सुविधा के लिए ले रहे हैं, क्योंकि हम ड्रेन की जब कटिंग करेंगे तो कुछ मकान उसके जस्ट साइड पड़ेंगे, इसलिए हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं 1 मीटर और। हाँ, 11 हम एक्चुअल में रोड करेंगे, 1 मीटर हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं मशीनरी के लिए और पोखरण के। हाँ, मीडियम से जी। हाँ जी, दोनों साइड जी। ये 15 जून तक हम पूरा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क निर्माण जी जुलाई के पहले पहले तक।